हिंदी पाठ है BTC DLED, तीसरे सेमेस्टर का पहला लेसन है। तो ये शॉर्ट है, तो पहला लेसन का चैप्टर का नाम है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना, ये पाठ है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, वैसे ये आते नहीं है इस लेसन से एक भी प्रश्न, लेकिन कभी काल पूछ लेता है तो आते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के क्या कारण है? उत्तर, हिंदी गद्य में सर्वाधिक मनोरंजन अंश कहानी है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कहानियां सदैव से मनोरंजन एवं उपदेश का उपकरण रही है। पुराणों तथा उपनिषदों में कथा साहित्य ही है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण है, इसमें पात्र न्यूनतम संख्या में है। हिंदी कथा साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है। प्रेमचंद के अनुसार लेखन का किसी के जीव में संबंधित उसके मनोभावों को प्रदर्शित करने या उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसके कथानक तथा शैली उन भावों को पुष्टि करते हैं। कहानी में जिज्ञासा एवं कौतूहल बनाए रखना ही कहानीकार का कौशल है। कहानी से जो एकाग्रता व ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह मस्तिष्क में अस्थायी हो जाती है। कहानी भाषा शिक्षण का एक साधन है। कहानी के माध्यम से नैतिक की शिक्षा सहज ही सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाती है। इसमें मनोरंजन व शिक्षा दोनों ही प्राप्त होते हैं। कहानी के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। नंबर 2, कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। नंबर 3, कहानी अभिव्यक्ति सृजनात्मक तथा ग्रहण का विकास करता है। सृजनात्मक का मतलब होता है उत्पन्न करना। नंबर 4, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। 5वां, कहानियां विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करता है। 6वां, कहानियां विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करती है, जिसको इमेजिनेशन कहते हैं। कहानी का शिक्षण उचित रूप से होना चाहिए। कहानी यदि शिक्षक द्वारा उचित उच्चारण के साथ ना पढ़ा जाए और इसका अर्थ या भाव ना समझा जाए, तो इसके भाव निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सरल भाषा में कहानी को बताया जाए, पढ़ा जाए। यदि कहानी पढ़ाई जाए, पढ़ाई जाते समय अध्यापक कुशलतापूर्वक पढ़ाए, तो इससे कहानी की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। अतः कहानी पूर्ण सूझबूझ से पढ़ाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोक कथा एवं कहानी में क्या अंतर है? बहुत अच्छा, लोक कथा एवं कहानी में क्या अंतर है? उत्तर, विद्यार्थियों को लोक कथाओं को सुनकर उसके मन को कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। किसी गाँव की लोक कथा अथवा महापुरुषों की जीवन कथा को कक्ष में सुनाकर विद्यार्थियों को लोक कथा कथाओं के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। दैनिक समाचार पत्रों में भी कहानियां व लोक कथाएं प्रकाशित होती हैं। विशेषकर रविवार संस्करण में विभिन्न प्रदेशों की लोक कथाएं विभिन्न भिन्न होती है। आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी लोक कथाएं प्रसारित होती है। लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न है, रोचक प्रसंग की क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर, विद्यार्थियों को कहानी अथवा लोक कथा सुनाते समय किसी रोचक प्रसंग के बारे में कक्षा में जानकारी देनी चाहिए। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा कहानी व लोक कथा के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी। रोचक प्रसंग का मंचन करने से बच्चों के मन में रोचक कहानी व नाटक के भाव में नए प्रसंग उत्पन्न होंगे। उन प्रसंगों को लेकर बच्चों को कहानी तथा लोक कथा की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। इस प्रकार की उपयोगिता से बच्चे नए कार्यकलापों को सीखकर उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। सुरुचिपूर्ण शैली में कहानी के संवाद बच्चों के मन में प्रेरणा उत्पन्न करने लगते हैं। प्रेरणा के इन स्रोतों द्वारा बच्चों के मन में तर्कपूर्ण भाषा के माध्यम से रोचक प्रसंगों का सस्वर पाठन करना चाहिए। सस्वर का मतलब होता है एक साथ पढ़ना। इससे बच्चों के चरित्र का विकास होता है तथा साथ ही उनकी मान शक्ति का भी विकास होता है, ताकि वह उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सके, आदर्श नागरिक की भूमिका निभा सके। अति लघुतरी प्रश्न है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? उत्तर, हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। नंबर 2, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना हानिकारक का कौशल है। अगला प्रश्न है, अति लघुतरी से इस पाठ में केवल यही एक प्रश्न पूछा गया है BTC 2015 में। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, तथा कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। अगला प्रश्न, लोक कथा से क्या लाभ होता है? लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। अगर आपको ऐसे आवाज में पूरे किताबों को
सुनना है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हिंदी पाठ है बीटीसी डीएलएड तीसरे सेमेस्टर।